हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनीत वत्स। बेटा आज हम जो सिक्स क्लास का चैप्टर पढ़ रहे थे आईआईटी फाउंडेशन के अंदर बायो का, प्लांट्स नेचर्स वंडरफुल फूड फैक्ट्री, उसके अंदर हम स्टेम तक स्टडी कर चुके थे कि स्टेम क्या क्या फंक्शन करता है, किस किस टाइप से स्टेम है वो होता है। उसके अंदर आगे हम स्टडी करते हैं लीफ के बारे में। लीफ का मतलब पत्ते, ठीक है। जो लीफ है या यू कहे लीव्स है, जो उसकी प्लूरल फॉर्म है, इनका मेनली फंक्शन क्या होता है, बेसिक फंक्शन क्या होता है, पता है आपको? चलो हम जानते हैं। जो लीफ है मेनली वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है आपको पता है, पढ़ रखा होगा आपने, फिर भी देखते हैं। फूड को प्रिपेयर करती है बाई यूजिंग रॉ मटेरियल लाइक CO2, वाटर, मिनरल्स, सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल इनके पास होता है, ठीक है। मेनली जो ग्रीन लीव्स हैं उनके पास, मोस्टली के पास क्या होता है, क्लोरोफिल। वो क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती हैं, उसके थ्रू वो फूड को प्रिपेयर करेंगी, और सारे प्लांट के अंदर, पूरे प्लांट के अंदर उसको सप्लाई कर देंगी, ताकि वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो उनके पास एक तरीके से सेल्स हैं उनको एनर्जी मिल सके, वो आगे प्रोसेसिंग कर सके, अपनी जो उनका फंक्शन है, एक्टिविटी है, वो परफॉर्म कर सके। दूसरा क्या करती है लीव्स हैं, उनके अंदर एक प्रोसेस होती है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होती है बेटा, रिलीजिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम, कहाँ से जाएगा, होल्स विच आर प्रेजेंट इन लीव्स, पत्तियों के अंदर, जो लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेज भी होता है, ठीक है बेटा, वहाँ से जो एक्सेस अमाउंट में जो वाटर हो जाता है, पानी, ठीक है, तो प्लांट के अंदर से वो निकल जाता है। जैसे जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, उनके नीचे की साइड में छोटे छोटे होल्स होते हैं, बारीक बारीक, ठीक है, माइक्रोस्कोप से दिख सकते हैं, वैसे हमें आसानी से दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो वहाँ से एक्सेस अमाउंट में जो वाटर है वो स्टोमेटा के थ्रू है वो निकल जाता है, ठीक है। इससे प्रोसेस में क्या भी हेल्प होगी, जो नीचे से पानी ऊपर जाना है, ठीक है, तो एक तरीके से उसको खींचने के लिए, ठीक है, वो प्रोसेस ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है जो लीव्स के द्वारा की जाएगी, वो हेल्प करती है, ठीक है। अब इनके बारे में स्ट्रक्चर है, उसके बारे में जानते हैं, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कैसा रहेगा, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम देखते हैं लीव्स का। आपने देखा होगा लीव्स के अंदर कुछ इस टाइप का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो होता है, आपने देखी होगी लीव्स, ठीक है। इस पार्ट को बोलते हैं पेटियोल, इस पार्ट को बोलेंगे मिडरिब। ये मिडरिब से आगे जो पार्ट्स हैं इस टाइप से जा रहे हैं, इनको बोलते हैं बेटा वेन्स। ये पार्ट जो ग्रीन कलर का रहेगा ये कहलाता है लेमिना, ठीक है। ये आपका एक तरीके से जो बेसिक स्ट्रक्चर है लीफ का वो है आपके पास, ठीक है। इसके अंदर हम देखें आगे, अब इसकी एक तरीके से टाइप है लीफ की वो देखते हैं हम। मेनली टू टाइप्स की लीफ होती है, एक होती है सिंपल, एक होती है कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर कैसी मिलेगी, सिंपल के अंदर कैसी मिलेगी, सिंपल के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, जैसे ये टहनी जा रही है और यहां से ये लीफ का ऐसे स्ट्रक्चर रहेगा बेसिक, और कंपाउंड के अंदर एक ही पॉइंट से जैसे कैसे जा रही है, तो यहां से बहुत सारी जो लीफ हैं वो यहीं से निकलती हैं, जस्ट यहीं से, इस पॉइंट से ही, ठीक है, दो या दो से अधिक लीफ, ठीक है, उनका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। ये क्या है कंपाउंड और ये क्या है सिंपल, दो तरह से, एक तरीके से दो टाइप की जो लीफ है वो हमारे पास हो गई स्ट्रक्चर, एक तरीके से उनकी फॉर्मेशन के बेस पे, ठीक है। आगे जानते हैं उनकी अरेंजमेंट के बेस पे, अरेंजमेंट के बेस पे उनकी तीन टाइप की अरेंजमेंट होती है बेटा। एक
अरेंजमेंट होती है अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट। दूसरी होती है ओपोजिट। तीसरी होती है वोल्ट। अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कैसे रहेगी बेटा, लीफ इसमें इस टाइप से रहेगी, एक राइट साइड में हो गई, ठीक है, कुछ आगे चल के कुछ डिस्टेंस के बाद एक इधर लेफ्ट में हो गई, एक आगे चल के ऐसे राइट में हो गई, एक आगे चल के लेफ्ट में, ठीक है। अल्टरनेटिव तरीके से यहाँ पे एक राइट कुछ गैप के बाद लेफ्ट, राइट लेफ्ट, इस टाइप से चलती है। ऑपोजिट में क्या रहेंगी, एक इधर हो गई जस्ट और एक इसी के साथ में यहाँ पर ऑपोजिट में होगी, एक इधर हो गई और एक इसके अपोजिट में ऐसे है ये फॉर्मेशन, ऐसे। ये अरेंजमेंट कैसी है बेटा, ऑपोजिट अरेंजमेंट, ठीक है, इस टाइप से। और वॉल में क्या रहती है, कैसी अरेंजमेंट रहेगी, इनके एग्जांपल भी जानेंगे हम। इनमें जैसे कि यहां से स्ट्रक्चर है ऐसा आया और मोर देन टू लीव्स यहीं पर फॉर्म हो जाएंगी, इस टाइप से फॉर्मेशन है वो कर लेती है, ठीक है। ये आपको स्ट्रक्चर कहां पर देखने को मिलता है, जो अपना जैसे कि पीपल देखा होगा आपने, पीपल ट्री होता है, या फिर बेनियन ट्री आपने देखा होगा, ये रोज लेमन उनके अंदर आसानी से आपको देखने को मिलता है। ये अल्स्टोनिया होता है, जैसे घरों में मेनली अब लगाते हैं छाया के लिए, जिसके ऊपर फूल वगैरह नहीं आते या कोई फ्रूट वगैरह कुछ नहीं आता, मेनली जो लीव्स हैं वही रहती हैं, पत्तियां वही रहती हैं, ठीक है। ये अरेंजमेंट है, तीन टाइप से जो अरेंजमेंट है जो लीव्स का वो होता है। इससे आगे हम डिस्कस करते हैं बेटा वेनेशन, जो वेन्स प्रेजेंट थी वो कितने टाइप से अरेंज रहती है। जैसे कि जो हमने जाना था बेसिक स्ट्रक्चर, इस टाइप से दो टाइप से अरेंजमेंट रहेगी वेन्स की। एक बोलते हैं बेटा रेटिक्यूलेट, रेटिक्यूलेट अरेंजमेंट, दूसरा रहेगा बेटा पैरेलल। पैरेलल में क्या रहेगा, जो लीफ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा और उसमें ये जो मिडरिब है, मिडरिब से जो वेन्स निकलती हैं वो एक दूसरे के लगभग जैसे कि पैरेलल जा रही हो, इस टाइप से हमें जाती हुई दिखाई देंगी। ये तो रेटिकुलेट जो अरेंजमेंट है इस टाइप से कैसे भी जा रही है और इसमें केवल जाएंगी पैरेलली, ठीक है, इस टाइप से जो लीफ का जो एक तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा। ये एग्जांपल जैसे कि आप मोस्टली लीव्स के अंदर देखते हो, पीपल का एग्जांपल हो गया, सीसम है अपने पास, ठीक है, और जो मलबरी प्लांट है, सहतूत है, उसकी लीव्स हैं इस टाइप से मिलती हैं। मेनली ये मिलती हैं जैसे कि बनाना ट्री देखा होगा, उसकी जो लीफ हैं उनके अंदर पैरेलल वेनेशन होता है। वीट प्लांट है, ठीक है, या कुछ ग्रासेस हैं उनके अंदर कौन सा वेनेशन होता है बेटा, पैरेलल वेनेशन, ठीक है। अब लीफ के बारे में ही, लीव्स के बारे में ही बात करते हैं कि उनके अंदर क्या मॉडिफिकेशन होता है और क्या क्या मॉडिफिकेशन के बाद वो फंक्शन परफॉर्म करती है। मॉडिफिकेशन इन लीव्स, लीव्स के अंदर क्या मॉडिफिकेशन रहेगा, कैसे वो मॉडिफाई हो जाती है, क्या क्या फंक्शन है वो एक तरीके से परफॉर्म करती है। सबसे पहले देखें स्टोरेज ऑफ फूड, जो लीव्स है वो किसका भी काम करती है, फूड को स्टोर करने का भी काम करती है। वन बाई वन हम इनको जानेंगे आगे। पहले किसका काम किया बेटा, स्टोरेज ऑफ फूड का काम किया। दूसरा बात करेगा तो वो स्पोर्ट प्रोवाइड करती हैं, कैसे करती हैं उनके बारे में जानेंगे। तीसरा है एक तरीके से वो डिफेंस का काम करती हैं। फोर्थ है जैसे कि वो प्रोटेक्शन करेंगी, वन बाय वन हम इनको जाने भी, ठीक है, इस टाइप से। फिफ्थ है जैसे कि वो रिप्रोडक्शन है, और सिक्स्थ में स्पेशल फंक्शन, इस टाइप से वो परफॉर्म करेंगी। वन बाय वन हम इनके बारे में अब डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले स्टोरेज ऑफ फूड। फूड की स्टोरेज में जैसे कि हम पिछले पार्ट में भी डिस्कस कर रहे थे, जो बल्ब पार्ट है जो एक तरीके से स्टेम के रूप में दिखाई देता है ओनियन के अंदर, वो मेनली किससे फॉर्म हुआ है, लीव से बना हुआ है, ठीक है। तो वहां पर जो
ओनियन के अंदर जो लीव्स थी या गार्लिक के अंदर, उनके अंदर वो फूड स्टोरेज का काम कर रही थी, उनका एडिबल पार्ट क्या है वहां पर, लीव्स। ठीक है, स्पोर्ट का बात करें तो आपने देखा होगा जैसे कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं बेल टाइप के होते हैं, या जो मटर का आपने देखा होगा जो छोटे प्लांट होते हैं, छोटे पौधे, उनके अंदर लीव्स है वो मॉडिफाई हो जाती है। ठीक है, इस टाइप से स्प्रिंग लाइक सेक्शन बनाती है। आपने देखा होगा कई बेल जो होती है उनके अंदर आपको क्रीपर्स होती है, क्लाइंबर्स होती है, उनके अंदर आपको ये क्या करेंगी, साइड में अगर कोई टहनी है किसी पेड़ की या फिर दीवार के साथ, कैसे भी उसको एक तरीके से वहां पर ग्रिप बना लेंगी ताकि ये प्लांट है अच्छे से ऊपर की ओर बढ़ सके, इसको सपोर्ट मिल सके ताकि ये गिरे ना। ठीक है, जैसे कि मटर का जो प्लांट है एक तरीके से पी का, उसके अंदर इस टाइप से होता है। डिफेंस का काम करेंगी, कुछ जो लीव्स हैं वो स्पाइंस के रूप में चेंज हो जाती है, कांटों के रूप में चेंज हो जाती हैं, जैसे कि कैक्टस के अंदर। ठीक है, और वहां पर जो फूड को प्रिपेयर करने का काम करता है वो स्टेम करता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से उस प्लांट को एक तरीके से संरक्षित करेंगी, बचाएंगी, उसकी रक्षा करेंगी। ठीक है, बचाव का काम करेंगी, किससे, कोई भी एनिमल्स है उनको एक तरीके से डैमेज ना कर पाए, उनकी एक तरीके से जो मेनली ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं वो उसको डिस्ट्रॉय ना कर सका, खाना सके उसको। प्रोटेक्टिव के बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग में जब आपने देखा होगा जो एक तरीके से जो फ्लावर है वो निकलता है, उससे पहले वो लीव्स के अंदर इस टाइप से जो उसकी बड है वो ऐसे कवर्ड होती है लीव्स के अंदर, पत्तियों के अंदर। ठीक है, और फिर बाद में ये पत्तियां हैं ये साइड में हो जाती हैं और जो फ्लावर है इस टाइप से जो भी फॉर्मेशन है उसकी, और वो इस टाइप से फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने लीव्स ने जो फ्लावर की जो इनिशियल स्टेज में उसको क्या किया है बेटा, प्रोटेक्ट किया। ठीक है, बात करें रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन में क्या होता है पता आपको, उसी टाइप के सेम काइंड के जो न्यू ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लांट है सरसों का है तो सरसों का, ठीक है, इस टाइप से सेम काइंड के नई प्रोडक्शन करना, उसी टाइप के ऑर्गेनिज्म की नई प्रोडक्शन करना, एक तरीके से न्यू प्रोडक्शन वहां पर होना। ठीक है, जैसे कि लीव्स के अंदर, स्टेम के अंदर देखा था कुछ लेयरिंग कर दे रहे हैं हम। ठीक है, स्टेम जा रहा था ऐसे, लेयरिंग कर दी हमने अगर, तो वहां पर मिट्टी के टच में आया तो यहाँ पर न्यू प्लांट है वो ग्रो कर जाएगा, इसको कट करके हमने उगा दिया है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी जो हमें देखने को मिलता है, कुछ लीव्स हैं, कुछ प्लांट की लीव्स हैं जैसे पायरोफाइलम, इनके अंदर जो लीव्स हैं वहां से बड निकलती है। ठीक है, किस टाइप से, यहाँ पर जो लीव्स हैं यहाँ से बड निकल सकती हैं, और अगर इसको उगाएंगे तो ये आगे पूरे प्लांट के रूप में ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन में भी उन्होंने हेल्प की है। आगे देखिए स्पेशल फंक्शन की अगर हम बात करें, स्पेशल फंक्शन में क्या रहेगा, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके जो लीफ हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, वो स्पेशल फंक्शन करते हैं, जैसे पिचर प्लांट आपने सुना होगा या फिर वीनस फ्लाईट्रैप है, इनके बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में भी सुना होगा। वीनस फ्लाईट्रैप का मैं बता देता हूँ, इस टाइप से, सॉरी पिचर प्लांट का डिस्कस करते हैं पहले, इस टाइप से पोर्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसी फॉर्मेशन हो जाती है कुछ उसकी। ठीक है, और यहाँ पर एक फ्लैप जैसा रहेगा, इसके अंदर हेयर है वो डाउनवर्ड साइड में रहेंगे। ये क्या करते हैं मेनली, जैसे ही इनके अंदर नाइट्रोजन कंपाउंड की या नाइट्रोजीनियस कंपाउंड की कमी रहती है तो ये इंसेक्ट को खाते हैं, एक तरीके से इंसेक्ट को डाइजेस्ट करेंगे। जैसे ही इंसेक्ट यहाँ पर एंटर करेगा, ठीक है, ये फ्लैप है ऊपर से क्लोज हो जाएगा और इंसेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, और हेयर के डाउनवर्ड होने की वजह से इस टाइप से वो इंसेक्ट है एक तरीके से एस्केप भी नहीं कर पाएगा, भाग नहीं पाएगा, वहां से निकल नहीं पाएगा। और बाद में क्या होता है, यहाँ से डाइजेस्टिव जूस छोड़ा जाता है इसके द्वारा, प्लांट के द्वारा, और उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लिया जाता है। ऐसा ही कुछ वीनस फ्लाईट्रैप के अंदर होता है, वीनस फ्लाईट्रैप में कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर रहेगा ऐसा। ठीक है, वो ऐसे ओपन रहेगा और अंदर का जैसे कि रेड कलर हो गया, ठीक है, इस टाइप का कलर रहेगा जो अट्रैक्ट करेगा इंसेक्ट को, और धीरे धीरे जैसे ही इंसेक्ट बैठेगा धीरे 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 और उसको बंद कर लेंगे, वही डाइजेस्टिव जूस छोड़ेंगे और काम खत्म, नाइट्रोजन उससे ले लेंगे। ठीक है बेटा, ये हैं जो लीव्स के फंक्शन हैं, पत्तियों के फंक्शन रहेंगे मेनली वो। ठीक है, उनकी टाइप वगैरह, उसका अरेंजमेंट कैसे है, वेनेशन कैसे होता है उनके अंदर,
बाकी एक लास्ट में टॉपिक बचता है अपना फ्लोवर, उसका नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।